ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कार्टिशन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कार्टिशन टू स्फेरिकल ठीक है कार्टिशन तो हम सबको पता है सिंपल होता है स्फेरिकल में एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस फाइ, वाई साइन थीटा साइन फाइ जेड कॉस थीटा ऐसा होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जब हमको ट्रांसफॉर्म करना रहता है हम इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं आर कैप थीटा कैप फाई कैप क्योंकि हमको स्फेरिकल में जाना है कहाँ से जाना है तो यहाँ पे लिखिए कार्टिशियन एक्स कैप वाई कैप जेड कैप ठीक है ये हो गया साइन थीटा कॉस फाई एक एक करके लिखते जाइए साइन थीटा साइन फाइव और जेड आपका होता है कॉस थीटा ठीक है वैसे ये कॉस थीटा कॉस फाइ ये होगा आपका कॉस थीटा साइन फाइ और ये माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस साइन फाइव ये कॉस फाइव एंड ये ज़ीरो हम डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बना रहे हैं बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आते हैं न्यूमेरिकल्स में ठीक है तो हमको कन्वर्ट जब करना है एक्स को कार्टिशन uh, से स्फ़ेरिकल में तो फिर हम ये टेबल को पहले बना लेंगे उसके बाद सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप ऐसा है ठीक है कन्वर्ट इट इनटू spherical coordinate सिस्टम ठीक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ए की वैल्यू है ना ए इज इक्वल्स टू तो हमको दिया हुआ है गिवन और हमको उसको कन्वर्ट करना है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप किस में कन्वर्ट करना है ए आर कैप ये आर आर कैप लिख देते हैं इसको आर थीटा फाइव में तो ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाइव फाइव कैप ऐसा लिख देते हैं ठीक है अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एक एक कंपोनेंट है उसको अलग अलग लिख कर के उसकी वैल्यू को निकालेंगे तो ए आर आर कैप यानी ये वाला जो ए है वो होगा और डॉट में होगा आर कैप तो ये ए क्या है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट में आर कैप ठीक है तो ये आ जाएगा आपका एक्स एक्स कैप आर कैप प्लस वाई वाई कैप आर कैप प्लस जेड जेड कैप आर कैप इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सब्सट्यूट करते जाएंगे वैल्यूज़ को स्वीरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम x को क्या लिखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस फाई आर साइन थीटा कॉस फाइ है ना ये है ना x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा पहले इसी को लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा ये लिखा हमने ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू अब ये जो इक्वेशन आया आपको इसको हम सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें a ए वाले में ये वाले इक्वेशन में तो ए आर इज इक्वस टू आपके पास आ जाएगा ये एक्स एक्स कैप आर कैप है ना तो एक्स की जगह क्या रखें आर साइन थीटा कॉस फाइव ठीक ये एक्स लिखा मैंने अब एक्स कैप आर कैप यहाँ से लिखें एक्स कैप आर कैप इज अगेन साइन थीटा कॉस फाइव तो यहाँ लिखें हम साइन थीटा कॉस फाइव प्लस वाई क्या लिखा आर साइन थीटा साइन फाइव वाई कैप आर कैप क्या हो गया वाई कैप आर कैप साइन थीटा साइन फाइव ठीक है तो इसके साथ क्या हो गया साइन थीटा साइन फाइव प्लस आर कोस थीटा कॉस थीटा थर्ड वाला टर्म आ गया तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या आया आर साइन थीटा कोस स्क्वायर फाइ प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइ प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा और दिस इज इक्व टू आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइ साइन स्क्वायर फाइ मिल के वन बन गए प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा यानी इसकी वैल्यू आई अल्टीमेटली आर ठीक है ये ए आर की वैल्यू हमने निकाल ली पहला टर्म हमारा निकल गया सेकेंड वाला टर्म निकालते हैं सेकेंड वाला टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म क्या था हमारे पास ए थीटा इज इक्वल टू ए डॉट थीटा कैप ए क्या दिया था क्वेश्चन में एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप डॉट में थीटा कैप करना है अब की बार हमको तो थीटा कैप करना है तो x इंटू एक्स कैप थीटा कैप प्लस वाई इंटू वाई कैप थीटा कैप प्लस जेड इंटू जेड कैप थीटा कैप ठीक है तो सब्स्टिट्यूट करें x को पहले रखें x क्या था आर साइन थीटा कॉस फाइव अब हमारा टेबल x कैप थीटा कैप टेबल देखो x कैप थीटा कैप कॉस, कॉस थीटा कॉस फाई है तो यहाँ रखें कॉस थीटा कॉस फाइव वैसे ही बाकी की वैल्यूज़ भी आपको रखते जाना है क्या रखेंगे अगला है आर साइन थीटा साइन फाइव और कॉस् थीटा साइन फाइव प्लस तीसरा क्या रहता है? आर कॉस थीटा और टेबल के हिसाब से जेड कैप थीटा कैप होता है माइनस साइन थीटा ठीक है तो ये सब को रखने के बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे आर कॉस स्क्टा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा सो दिस इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाइव बचा कॉस स्क्र फाइव ये ये हो गया ये दोनों मिल करके क्या बना जीरो ठीक है ऐसे ही आप क्या करोगे ए फाई की वैल्यू निकालना ए फाई की वैल्यू अगर आपको निकालते बने इट्स ओके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कर ही देते हैं ए फाई का भी वैल्यू निकाल लेते हैं जब तीसरे कहीं बचा हुआ है तो एक्स एक्स कैप फाइव कैप प्लस वाई वाई कैप फाइव कैप प्लस सेट बस बस सेट कैप फाइव कैप फिर आप लोग सारे जो सॉल्यूशंस हैं उसको सब्सट्यूट करना जस्ट ठीक है तो आस फाइ साइन थीटा एंड दिस इज माइनस साइन फाइ प्लस आर साइन थीटा साइन फाइ एंड इसके साथ आएगा कॉस फाइ प्लस आर कॉस थीटा लास्ट वाला टाइम जीरो होता है टेबल में ठीक है ना? तो ज़ीरो तो दिस इज इक्व टू ये क्या बन गया कॉस फाइ साइन फाइ साइन थीटा कॉस फाइ साइन फाइ साइन थीटा ज़ीरो हो गया ये भी ज़ीरो हो गया टोटल क्या आ गया ज़ीरो ये माइनस में है ये प्लस में है, ये तो गया ये आ गया ये तीनों वैल्यूज उठा करके कहाँ पे रखना है वो जो स्टार्टिंग में इक्वेशन लिए थे ए इज इक्वल्स टू ए आर आर कैप, पहला वैल्यू आपका जो आया आर आया था ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप दोनों तो जीरो ही आ गए, यानी आंसर आपका क्या आ गया सिर्फ आर आर कैप ये आ गया आपका आंसर क्लियर है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू